अरे जंगल में बोले कोयल कुकड़ू कु कुकड़ू कु। कबाड़ी? ऐसे तो मुर्गा बोल लग रहे। मुर्गा बोल रहे? हाँ। फिर कोयल का डाल बोल रहे भाई। कोयल पापा पापा पा, पिकॉक तुझे भी कुछ ना पता, ऐसे तो मोर बोले। मोर बोले भाई, फिर कोयल कुकर बोले भाई। मुझे ना पता भाई भिखारी। भाई कबाड़ी हो तो मुझे भी ना पता। यार भिखारी तू बात तो ठीक कैसे, पर पूछे किसते? एक बात तो बता। हाँ पूछ। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, किसते पूछे? देख देबू दूधी आन लाग रहे हो, वा तो पूछेगा। रोक रोक रोक, अरे देबू भाई रोक, अरे रोक ले। अरे तुम क्यों परेशान से लग रहे हो? यार देबू हम लग के रहे, हम है ही परेशान। कैसे, क्या बात होगी? बात के होती भाई, हमें नूना पता चल रहा अब कोयल कुकर बोल रहे। यार देबू तू बतास का कोयल कैसे बोल रहे? यार मैंने कोयला के बेरा, मैं भैंस का दूध काटूं, कोयला थोड़ी काटूं। इसे भी नहीं पता। मैं मेरा कदे कोयल तो वास्ता ना पड़ा, मैंने क्या पता होएगी? एकी भी ना पता। अरे भैंस भी काली होवे, कोयल भी काली होवे। अच्छा तो मैं तो भैंस के बारे में पूछ लो, भैंस कैसे रहे हैं? बस बस रान दे लगी पता। और कुछ पूछना तो पूछ लो। छोड़ यार, के बताओगे तू? पर टीचर, हाँ के भाई परेशान सी फेंक रहा, के बात हुई? ऐसे भाग रहा है जैसे भैंस के पीछे भैंसा भाग रहा हो। अरे के बात हुई? माँ माँ स्कूल के पीछे, स्कूल के रास्ते पे एक लाश पड़ी और वो गांव का गांव इकट्ठा हुआ पड़ा। अरे किसकी लाश? चलो देख के आवेगा। ना भाई ना, लाश से तो मुझे बहुत डर लगे। अरे वहां भी डाकू के मारे हुए की बंदूक मत भी गोली काट काट के मारे, मैं नहीं जाने का भाई। अरे वाह गोली तो चल चला ली जितनी चलनी थी, वाह के तेरे पीछे आगे लगे। क्यों भाई डेबू चलना रहा? ना मैं ना जा रहा, तुम ही जाओ। कभी उसकी आ तो मेरे अंदर घुस जा, फिर मेरे दूध दात क्या होगा? अरे दूध दात तो हम पी लेंगे, तू चल तो सही। तुम मेरी गला सिर ना मारो, मैंने वार हो रही दूध को। अरे भाई तू बचा ले अपने दूध को, चल भाई भिखारी, चल फटीचर चल। अरे आ जाओ अब चलो भी, आओ आ आ आ चलो भी। भाई धामा की दहशत तो दिन बे दिन बढ़ती जा रही है। अपने दुश्मन की तो उसे पहले सूंघ मिल जा, बना फिर था पुलिस का मुखबर। अब तो रात को हवा से कुछ भी खटकाओ ऐसा लगा है जन धामा आ लिया, गांव की सारी बंदूकें यूं ही धरी रह जा। अरे तू बंदूक की बात कर रहा, अब तो रात को लोगों का खांसना भी बंद हो गया। तेरे को स्कूल की बातों के सिवा और कुछ आवे है? हर टाइम वही जिक्र करती रह। वो दिन भूले ना जाते, बचपन में तो इतना मजा आवे था, उस तो मेरी रोज लड़ाई होवे थी। तू भी कोई कम ना थी, लड़ाई भी थी और फिर बोलने भी थी। जब तक गांव में स्कूल खुला वहाँ जाना ही ना होता, यहाँ तो इतना जी भी ना लगता। देखियो वहाँ क्या भीड़ सी लग रही, चल चल कर देखेंगे। के हो गया पिताजी? धामा ने गांव के राजवीर को मार दिया। कितनी बेरहमी था मारा बेचारे को। चल सुनो तू घर जा। यू धामा तो बड़ा ही पत्थर दिल इंसान है, पता नहीं से किसी पर तरस भी आवे कि नहीं। अब तो इस इलाके का भगवान ही मालिक है, अगर वो मुझे कहीं मिल गया ना उसका तो मैं सिर ही फोड़ दूंगी। हाथ तेरे पे तो फुड़वा रहा है वो सिर। धामा ने तो नाक में दम कर रखा है। अजी नाक में भला कोई दम होवे, दम तो हाथों में होवे, पेट में होवे। पेट में? अजी तुमने सुना ना कि फलाने का तो दम ही निकल गया, ये दम सुथरा पेट में तो होवे। चुप्पे दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी। आप हमें एक ही बार दरोगा कह सकते हैं, हम उसी में आपकी बात सुन लेंगे। अजी तुम मेरी ना, तुम धामा की सुनो।
जेपी तू सेठ जी के साथ जा और धामा की बात सुन क्या। अबे मेरा कोई टाइम खराब हो रहा जो मैं वहां जाऊंगा। चुप हो जाओ तुम दोनों। सेठ जी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अजी परेशानी की बात ना, ये देखो ये जी धामा का फरमान, ये उसकी चिट्ठी, बसंत पंचमी तक लूट लेगा मुझे। सेठ मनोहर, धामा तेरे घर बसंत पंचमी तक डाका डालेगा, खूब जतन कर ले धामा। दरोगा जी चिट्ठी को पढ़ते थारे भी हवा खुशक होगी लग गए। ऐसी बात नहीं है, पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है और जल्द ही धामा हमारे कब्जे में होगा। जी कब्जे में होगा जब की जब देखी जाएगी, फिलहाल तुम्हारी समस्या का समाधान करो। उस मारे फूफा का यो प्रेम पत्र आया है, इसका भी कुछ इलाज करो। सेठ जी घबराने की कोई बात नहीं है। अजी घबराने की तो बात है, मैं तुम्हारे साथ दो हवलदार भेज देता हूँ। आ गया लंबर बलि पे चढ़ने का। दरोगा जी ये तो जाएंगे, ये तो नहीं। नहीं ये बात नहीं है, ये दोनों निडर ही नहीं बहादुर भी हैं। यस दरोगा जी, तो काम ना चले, पूरी फोर्स मंगा दो फोर्स। अजी इन दोनों के चक्कर में तो मन मार जाएंगे जी। फिलहाल इन्हें ले जाओ, बाद में देखेंगे, अभी बसंत पंचमी के कई दिन हैं। अजी तुम देखते ही रह जाओगे। हमारे इन दो सिपाहियों को कम मत समझो, इनमें से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। चढ़ा रहा है मैं दरोगा चने के झाड़ पे। हरी जेपी। यस सर। तुम दोनों सेठ जी के साथ जाओ, अगर कोई आपत्ति की बात हो तो मुझे खबर करना। ठीक है साहब। चल लो सेठ जी। आ जाओ जी तुम, मैं चल लो, देखी जाएगी जो साहब को भी अभी तक क्या मरने को। ओ हरी। हाँ यार, ये साहब को भी हमसे के दुश्मनी है, हर जगह हमें ही भेज दिया मरने को हमें ही। ठीक कह रहा है तू यार, खुद तो थाने में बैठकर मजे लेते रहते हैं और हमें भेज दिया मरने को। बलि के बकरे बना रखे हम बकरे। बाबूजी राम राम। राम राम जी। राम राम। बाबूजी असली है? अरे असली है, चल जावेगी यू, कसम ईमानदारी की एक भी गोली ने चलने दी इसकी। साहब मनत या नकली दिख है। ओए अपने पे लगवा के देख, पता पड़ जावेगी असली है कि नकली है। तेरा ससुरा नकली बता रहा है इसे। बाबूजी चला के देख लूं। अरे दूर हट दूर हट, कौन है यू? भिखारी है यू, भिखारी। भिखारी भिखारी। अबे भिखारी है तो गांव में जा, गुड़ मांग, चून मांग, आटा मांग, बंदूक क्यों मांग रहा, इसे खा के मरेगा के? अबे मेरी टोपी टोपी दे। ओए टोपी दे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे टोपी पुलिस की खाकी, फिर भी नाम है भिखारी, मेरा नाम है भिखारी। अबे टोपी इधर दे दे, टोपी दे दे। अबे असली है नकली नहीं, चल गए ना तो खोल लेगी। अरे तुम हो है? और तू क्यों समझो था? अरे मैं तो न्यू सोची कि धम्मा आ गया। अरे आए जाओगे कहीं है तो वो के रुके है किसे थे? ठीक करा छोरे कबाड़ी तू। अरे भैया वो तो आओ आएगा। वैसे कदलों का टाइम दे रखा है दामन है के भैया? टाइम? अरे बसंत पंचमी का टाइम दिया है लाला। वैसे कद है यू बसंत पंचमी?
कब कब इसी चल रही है। मर गए जेपी भाई। अबे देखी मेरा हाथ पकड़ के। अबे तुझे भी बुखार सा हो रहा और मुझे भी बुखार सा हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे उसका नाम सुन के तो अच्छे अच्छे को बुखार चढ़ जा रहा है भाई। तो फिर हम चीज के हैं भाई। अरे हरी। हाँ भाई, कह तो तू ठीक रहा पर एक बात तो बता। के बात? अरे वो तो पूरी पलटन लेके आवेगा रे, पूरी फौज लेके आवेगा और हम तो सिर्फ दो हैं। दो है? दो बड़ी नाइंसाफी है भाई, गोली पड़ेगी। अबे सुन तो, हम उसका के बिगाड़ सके? अब यूं सोच हमारा के होवेगा। बात तो तू सही कह रहा है जेपी, और वैसे भी हम इसके दरवाजे पे अड़े बैठे और समय पहले आवेगा और हमें ही दिशु। यो बात तो सोच भी ना आती हमने। अरे अब के करा जावे यार। जान बचाने की एक तरकीब तो है मेरे पास। अरे कौन सी तरकीब बैरी, जल्दी बोल दे। कहीं दूर चल के बैठते हैं। कहाँ? 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 वहाँ चल के बैठते हैं वहाँ। अरे तन्ने बात तो लाख पते की कही भाई, तेरे में तो बड़ी समझ है यार। अबे समझ है, जब ही तो बचा फिर रहा हूँ। अन्नी धामा का शिकार हो गया होता कब का। चल 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 चल। हम्म
बे निंगी सुनो आ सके बे नूंगे से भी आ सके और दिखे वो दिखे उंगे से भी आ सके बे सुन अबे ओ हरी हाँ भाई सुन तो हाँ मुझे तो नू लग रहा यहाँ भी गलत आगे बैठ के दिखे भाई मुझे तो नू लग रहा भाई अब क्या बात हो गई भाई अरे बात तो नू होगी धामा आवेगा और निंगे कोई आवेगा और आते पहले हमें टपकाएगा भाई हाँ भाई यह बात तो हमारे दिमाग में भी ना आई ओए ओए ओ हरी मान गया कि नहीं मान गया मुझे मान गया बंदे तुझे पर अब क्या करना है अब रुक जा अब ओए वहां अब वहां जाकर बैठेंगे वहां ठीक है चल 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 ओ ओ हरी हाँ अरे सुन रानी हाँ हाँ बोल मान गया कि नहीं मान गया मेरे में भी दिमाग है मान गया भाई मान गया तेरे दिमाग को ला माचिस निकाल हाँ सुन गाओ भाई भाई तुम मरवा देता है बिठा के अबे के हो गया तंबाकू सटक गया क्या दिखाइए अबे इससे अच्छा तो वहीं बैठे हुए थे अरे तूने गांव के मेन गेट पे लाके बिठा दिया अब धामा इंगे से आवे या इंगे से आवे ठोक देगा अबे तो अब के करें वो तो बता दे अब के करें ऐसा कर गांव के बाहर बैठते हैं चल के चल फिर निकल ले चल ओए मेरा ससुरा बने अकलमंद बीच चौराहे में बिठवा दिया मरने के लिए ओ हरी भाई देख नाराज ना हो भाई देख तू ठीक कह रहा भाई मेरे में दिमाग ना तेरे में बहुत दिमाग है पर नू तो बता इतनी बढ़िया बढ़िया तरकीब कहाँ से आवे तेरे दिमाग में अबे प्रैक्टिस है प्रैक्टिस I want to do this is drama. अबे यहाँ भी डरा रहा ससुरे जिस दिन से पुलिस में भर्ती हुआ हूँ ना भैये उसी दिन से तरकीबें बना रही हूँ अबे काहे की तरकीब बना रहा बे अबे काहे की अपने बचने की अपने बचने की कैसे अब भी गलत खड़े हैं भैया अबे आप भी कैसे गलत खड़े हैं पूरे गांव से भाग ले आए तो ऐसा कर भैये पेड़ पे चढ़ ले चल भाई चल ओए अबे सुन तो ओ हरी ओ हरी हाँ अबे तू कहाँ गांव से भाग लिया हमें हमारी ड्यूटी भाने लगी थी सेठ मनोहर घर पे अबे सेठ जी की ऐसी की तैसी सेठ जी ने क्या हमें रिश्वत दे दी है और हाँ हमारे बापू जी ने कहा है बेटे जान है तो जान है और उसी दिन से मैंने ये बात गांठ बांध रखी है जैसे हमारी जान बचा ली भगवान ने ऐसे सेठ जी की भी बचा लेगा क्यों चढ़ा ले चढ़ पकड़ 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 चढ़ अबे बहुत भारी है अबे अरे तू ही बता दे बेटा बबलू अरे कहाँ छुपाऊँ इन्हें अरे कहाँ छुपाऊँ जगह ही ना मिल रही अरे बापू इतना बड़ा मकान पड़ा है कहीं भी छुपा दो अरे जब तक उस धम्मा की चिट्ठी आई है ना छुपाता ही फिर रहा हूँ अरे छुपाता ही फिर रहा हूँ कहीं जगह ही ना मिल रही बढ़िया सी अब तो छुपाने की जरूरत नहीं है थे दी हम आतुते हैं अजी तुम आ गए अजी मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था ये रे पैसे ले जाओ पैसे पर राजी खुशी जाओ जी ले जाओ तेते धामा तू पतला अजी तुम धामा ना हो धामा कहाँ है धामा यहाँ है अजी आप आ गए
क्यों बढ़िया करा जी, आप आ गए। देखो जी देखो, मैं ये सारे पैसे लेके आप थोड़ा आने लग रहा था जी, अजी आपने क्यों बढ़िया करा जी। सेठ, गिरगिट ना बने गिरगिट, तेरे जैसो की हर रग को पहचानता हूँ मैं। अजी मैं गिरगिट ना बनने का जी, जो तुम कहोगे मैं वही बन जाऊंगा। अजी सांप कुत्ता बिल्ली जो कुछ कहोगे जी मैं वही बन जाऊंगा जी। सांप, हाँ सांप ही तो है तू, न जाने कितने गरीबों को डस चुका है। अजी सांप ना, मैं तो गऊ हूँ, गऊ काली गऊ जी। गरीबों का खून चूसना छोड़ दे सेठ, मेहनत की रोटी खाकर देख कितना सुकून मिलेगा और ये गंदी चर्बी भी कम हो जाएगी। थे तुझ ओल हो तो छुपा ले, थलताली दत्तू भी आने वाले हैं। ओ भाई हरी, ओ हरी, घनी देर होगी भाई, धामा धामा का तो कहीं आता पता ना चल रहा यार। हाँ यार, अभी तक नहीं आया वो, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अरे उसने चिट्ठी में जो टाइम लिखा था ना वो भी बीतता जा रहा, पर उसका तो कहीं कोई पता पता ना। अबे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि धामा ने टाइम दिया हो और वो ना आया हो। वो आएगा, वो आ चुका। आ मरा मरा। चुप हो जा, चुप, धामा आ गया। अबे आई तो गोली की आवाज, पर यूं पता चल गया आई किंगे से। अबे खूब पता पड़ रही, लाला के घर तक ही आई। अबे यूं इंगे से कैसे। अबे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। चलो भाई जान बच गई। हाँ भाई, पर यार नू नहीं पता पड़ा ये धामा आया किंगे से। ये तो राम जाने है भाई ये। अरे राम ना, धामा जाने, धामा। ठीक कह रहा है भाई, अब नीचे उतर ले। हाँ भाई अब तो उतर ही ले, खर्चा तो टली गया। चल साहब को भी जाकर रिपोर्ट देंगे। ले ले मेरी बंदूक पकड़ ले। पकड़ ली क्या? हाँ पकड़ ली। खींच ले। ए खींच रहा हूँ। अरे हमारे पास क्या है, हम तो लूट लिए, कुछ नहीं मारे तो रहे। ना सेठ जी रोवे ना, जो होना था वो तो हो लिया, इतना मार पीछे पुकार है बस। शुक्र मनाओ मनोहर, तुम्हारी जान बच गई, पैसे तो और आ जाएंगे। अरे पैसे कौन सा पेट पे लगे, मैं वन तो तोड़ के ले आऊंगा। हौसला रखो सेठ जी, इब रोने से कुछ नहीं मिलेगा। अरे जब कुछ भी ना मिला तो तुम क्यों लेना आए हो यहाँ? सेठ जी न्यू क्या कर रहे हैं, छाना पूत तो क्यों धन जोड़े, अरमाड़ा पूत तो क्यों धन जोड़े ना, हम तो थोड़ा दुख बटवाना आए थे। अरे हम बाबू बेटा बतेरे दुख बांटने को, तुम्हारी जरूरत ना हमें। क्या अगर दुख बांटने तो हड़का हो जाए सेठ जी। अरे हड़का हड़का तो धम्मा कर गया हमें, सब कुछ लूट के ले गया, एक रुपया भी ना छोड़ के गया। अरे बापू। हाँ बेटा। मेरे पास एक रुपया तो हैगा। अरे बेटा इसे एक रुपये तक की हो। अरे बापू सुई धागा तो आ जाएगा।
अरे बेटा तू कह तो ठीक रहा, अरे गांव वाले तुम जाओ, हमने तारी हमदर्दी की जरूरत ही ना, अरे ये भाई हमारा तमाशा देखने, अरे आना दादा जवाते जो धामा हमें लूट रहा था। सेठ जी हमें क्या मरना था धामा के सामने आके, अरे तुम जाते रहो यहाँ से, चलो आजा बेटा आजा बेटा। ये भाई जब सब लूट ली, इंस्पेक्टर साहब राम राम, अरे 12 बीघे में कोई दाना नहीं। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग हमारा सहयोग दें। कोशिश शुरू से कोशिश 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 ही कर रहे हो, आज तक तुम पर धामा तो पकड़ा ना गया। थारी मौजूदगी में धामा ने कितने डांके घेर लिए और थार पर धामा का कुछ नहीं बिगड़ा। तुम लोग अपनी बकबक बंद करो, अगर इतना ही गुस्सा तुम धामा पर दिखाओ ना, फिर देखें कैसे डाका डालता है। यो काम इतना आसान ना जितना तुम सोच रहे हो। सावे झाड़ू फिरगी। राम राम दरोगा जी, अरे मैं कहूँ था ना थारे थे वो ले जाएगा लूट के, मन देगी सब कुछ तो लूट के ले गया, कुछ भी नहीं छोड़ के गया। कैसे राड सी हो रही है सुबह सुबह। देखो सेठ का गुल्लक खाली कर गया दामा, चाला हो गया भाई हो तेरे। अरे सुन तो सही। अब लाला अपना ठिल पतल लोला है ना। यार सतीश आज तू कोई गाना सुना दे यार। दाना ठीक है, अभी थुनो दाना, ओल ऐता दाना थुनाऊंगा, ऐता दाना थुनाऊंगा ते थुनते थाली तबियत थूस हो जाओगी। अरे बस तो ऐसा एक सुना दे तू तो ठीक है, धातल थोड़े था दाना थुना धातल थोड़े था अल थुनो। ये बात ठीक है भाई, ये सुना दे भाई। मेरे दिल ने तल दिया ध्याल ओ तेला प्याल थब्बो, मेरे दिल ने तल दिया ध्याल ओ तेला प्याल थब्बो। चढ़ा ली सवेरी सवेरी, चढ़ाई ना सरदार। राम किशन की लड़की की शादी में पैसे कौन देकर आएगा। चल डाल मैं दे जाऊंगा। लाओ सरदार मुझे पकड़ाओ, मैं दे के आता हूं पैसे। रहन दे बैठ जा, गिर जाओगा ना तो। ये फौज है मेरी, इनको लेकर डालता हूं मैं डाका। ऐसे होते हैं डाकू, ऐसे होते हैं डाकू जो अपने बॉस से गिरे जा रहे हैं। आज कोई अकेला आदमी तुम्हारा सामान उठाकर भाग सकता है, एक अकेला हवलदार तुम्हें गिरफ्तार कर ले जा सकता है। ऐसे होते हैं डाकू। डाकू वो होता है जिससे धनवान खोप खाता है, पुलिस दहशत में रहती है, माँ अपने बच्चों को डाकू का नाम लेकर डराती है, वो होता है डाकू। धामा तुम जैसों पर भरोसा करेगा? धामा अपनी जंग खुद लड़नी जानता है, किसी के भरोसे नहीं लड़ता। धामा ने आज तक जो किया है अपने बलबूते पर किया है, और आगे भी जो करेगा अपने बलबूते पर करेगा। इब तो हम सब साथ साथ रहे हैं, और कितना जी लगे, और फिर कभी हम अलग अलग हो जाएंगे। अरे यो बात तो तू भी ठीक कवे है, फिर बेराना कद के बिछड़े कद मिले। अरे तीज त्योहार पे तो मिल लिया करेंगे। तीज त्योहार का भी कुछ बेरा नहीं। भगवान करे सारी सहेलियों का ब्याह एक ही गांव में हो जाए, फिर हम सब साथ रह करेंगे। ए छोरियो। हाँ के बात है। रामपुर गांव में कौन सा रास्ता जावे? पहली बार आया दिखे? हाँ ऐसे तो पहली बेर ही आया हूँ। और पहले कैसे आवा था? मेरा मतलब है अकेला पहली बेर आया हूँ, ना तो मेरी गैल जरूर कोई ना कोई आवे था। भैया इस रास्ते से सीधा चला जाइए, यो जा रहा है रास्ता। ना ना इंगे तो ना जाइए। क्यों? इस इलाके में धामा नाम का एक डकैत रहवे, बहुत ही खतरनाक है, पूरा जल्लाद है जल्लाद। अरे क्यों डरा रही है बेचारे को,
मैं से डराना रही, मैं तो चौकस कर रही, इस रास्ते पे कुछ सुधा जाकर उल्टे हाथ को मुड़ जाइए। वहाँ भी पूछना पड़ेगा। अरे भैया इसी रास्ते को चला जा। अरे कहाँ जाना भैया तुझे? मुझे रामपुर गांव में जाना है। तो बेटा तू इस रास्ते से ही चला जा, जल्दी पहुँचेगा। ताऊ क्यों मरवावे तू इसे? क्यों, कितने मर गए अब तक? तुझे पता ना धामा कितना जालिम है, और जिस रास्ते पर तू इसे भेज रहा उस पर कितना खतरा, और फिर भी एक कुछ बात ना है, लोगों ने वैसे ही हवा बना रखा है। बात कैसे ना है, मारे नहीं उसने, अभी तो एक हमारे गांव में ही मारा था, पता नहीं इंसान है कसाई। इतना आज तक नहीं सुना उसने कोई गरीब आदमी सताया? ना तो। फिर तुम कैसे कह सको वो इंसान ना कसाई है? और मुझे देखिए, मैं भी तो सारे का घूमता फिरू, मुझे तो आज तक धामा ना मिला। जा बेटा तू इसी रास्ते पर चला जा, कुछ ना होता, बेकार में लोग बदनाम करे धामा को, बेचारा वो तो किसी को कुछ ना कहता। तू तो चल, तू क्यों इसकी गैला जानने हो रही है? मेरी जान है, शादी में तो पाछा चाहिए, पहले हमने तो खुश कर दे। चल लगा एक ठुमका, लगा। अबे इसे दां से पता लिया तू? शादी में लाजने को जा रही थी। अच्छा, मगर तू इसे क्यों पकड़ लाया? अरे तुम बोर हो रहे थे इस मारी। अरे इसे छोड़ गया, अगर धामा आ गया ना तो इसकी जगह हम नाचते फिरेंगे। अरे तुम बिना बात के डर रहे, इतना सरदार आवेगा या गा बजागा चली भी जागी। अब भाई तै तो यू भी थीत लिया तू। अरे खड़ी क्यों कर रखी है, लगा ठुमका।
कौन लाया इसे यहाँ? जाओ यहाँ से। रुको, अगर किसी को कुछ बताया तो तुम अच्छी तरह जानती होगी कि धामा के करे। कौन सा लेके आया इसको यहाँ? चल दाल थोड़ा था मनोरंजन तल ले दे। थोड़ी जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, थोड़ी पुलिस की मार भी खानी पड़ सकती है। अगर आज के बाद किसी ने ऐसी हरकत की तो समझ लेना वो उसकी आखिरी हरकत होगी। ताऊ राम राम। ताऊ बाहर कैसे बैठे हो? ताई ने पीट के काट दिया के? ताई क्यों बाहर निकाड़ेगी? कल तो ताऊ धामा डाकू ने गांव में फिर हमलो बोल दियो। भाई सुनी तो ऐसी है, धामा का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा। सही कह रहे हो, वो पुलिस ते भी ना डरता और पुलिस के आ गई डंग का गेर ले और पुलिस उसका कुछ भी ना बिगाड़ पाती और पुलिस को चकमा देने की तो उन्होंने डिग्री सी ले रखी। यू बात सही है, जमींदार ठाकुर लाला का घर तो लूटने से छोड़ा ही नहीं, अब पता नहीं किसका नंबर है। मैं तो बढ़िया रह गया इस बात में, ना मेरे दुरे पैसे और ना मजे वो लूटते। और मेरे दुरे जितने रुपये सारे ने बैंक में जमा करवा गया करूं, घर ने ना रखता। अरे मेरी सुन लो, वो मेरे दुरे भी ना देखा। क्यों, तेरे तो डर है धामा? डरना ही क्या, जब उसे देखते एक साथ में ही दुबक जाऊंगा, फिर मेरा धोरे आवेगा कैसे? हरी तो यूं ही उठपटांग बात रहे मैं। आ रताओ तने मारी उठपटांग दिखे से, मारी इतनी लंबी टांग थोड़ी से जो उसने उठपटेक दिया। चलो चलो टलो यहाँ से, दिमाग नहीं खराब करो, चलो। हाँ चलो रे। गांव वाले तो कुछ और ही बतावे धामा के बारे में, पर वो आदमी तो कुछ और ही कह रहा था। छोरी बर्तन मांजती मांजती सो गई के? मैं तो बस पिताजी यूं ही। अजी आप कहाँ गए थे? मैं खेतों पे गया था। शन्नो अब श्यानी होगी है, इसके लिए छोरा देख लो। रणवीर की रिश्तेदारी में एक छोरा है तो? चले जाओ, कदी लड़का हाथ तो निकल जा, मुझे तो शन्नो की चिंता सिखाई जा। चिंता करने ते के हो, रिश्ता तो वहीं होगा जहाँ संयोग मिलेंगे। राम राम सरदार। राम राम। आओ देबू, कुछ खबर भी लाया या ऐसे ही दूध में बोझ मरता फिर है? बिना खबर के आ जाऊं सरदार, तो वो खबरी कैसा? तो सुना फिर क्या खबर लाया है? पास वाले गांव में बहुत पैसे वाला एक जमींदार है। कौन से गांव में? नवाबपुर गांव में। तो फिर उसे भेज दो मेरा परवाना। बाऊजी बाऊजी। अबे के बात है धनीराम, ये चिट्ठी कैसे ले रहे हो? पर्चा खुद ही पढ़ के देख लो। जले सिंह बहुत नोट दबाए बैठा है, अगर मुझे आज शाम तक 2,00,000 रुपए पुराने जंगल की खाई के पीछे नहीं पहुंचाए तो कल मैं खुद ले जाऊंगा। लेकिन फिर तेरा क्या हाल होगा ये तू अच्छी तरह सोच लेना। धामा धामा। बाऊजी आप हंस रहे हो? अरे तो और के रो हूं।
बाबूजी डर के मारे पागल हो गए दिखे। यो कागज का टुकड़ा भेज के धामा न्यू सोचता होगा कि मैं डर जाऊंगा। जो धामा कह दे जी वो बिल्कुल ना घबराता, वो कर दे। उसने औरों ते टक्कर ली होगी, जे मेरे ते टक्कर लेवे तो मैं मान जाऊं उसने असली डकैत। हम उसकी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जी। गलती तो धामा ने करी सदनी राम, मेरे तो चुनौती दे गए। पहले आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच लो बाबू जी। तो तू के चाहे से मैं उसके डर के आगे घुटने टेक दूं? मेरा यो मतलब ना था बाबू जी। उसे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं, शायद इसीलिए उसने इतनी बड़ी भूल की है। बाबू जी भूल तो तुम कर रहे हो उसकी बात ना मान के। मुझे तो पुलिस की भी जरूरत नहीं है, मैं और मेरे आदमी काफी हैं उसके लिए। तुम पहरा टाइट रखो, बाकी मैं जाऊं। हम कितना ही पहरा लगा लो, जब वो आओगा तो सारे पहरे धरे के धरे रह जाएंगे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। साहब जी क्या बात है, इतना क्यों घबरा रहे हो? मैं जिले सिंह जी का नौकर हूँ जी। धामा का लेटर आया है, उसने आज शाम तक का टाइम दिया है। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ अभी चलते हैं। नहीं साहब जी, आप थोड़ी देर बाद आना। क्यों? मैं मालिक से बिना बताए आया हूँ। ठीक है तुम चलो, हम अभी आते हैं। अच्छा साहब जी। आइए इंस्पेक्टर साहब। आओ दरोगा जी आओ, कैसे कष्ट किया? कष्ट कैसा चौधरी साहब, आप लोगों की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। सुना है धामा आपके यहाँ डाका डालने वाला है। अरे हाँ, आई तो है भाई एक चिट्ठी। आइए बैठिए। ऐसा है जिले सिंह जी, मैं आपके यहाँ दो पुलिस वाले छोड़ देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं दरोगा साहब, अगर धामा आएगा भी तो उसके लिए मेरे आदमी काफी हैं। फिर भी सावधानी तो बरतनी ही होगी, और फिर हमारा क्या फायदा? दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं और मेरे सिपाही आपकी हिफाजत के लिए यहीं रहेंगे। जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी ना। रक्षक ज्यादा हो चौधरी साहब तो राहत की गुंजाइश ज्यादा रहती है। ठीक है भेज दो। सरदार दरोगा रमेश इस बार खुद जिले सिंह के घर पहरा दे रहा है। दरोगा हो या एसपी, चिट्ठी जा चुकी है, डाका जरूर डलेगा। वैसे क्या नाम बताया उस दरोगा का? नाम? तुम मेरा नाम सुन क्या क्यों हंस रहे हो भाई? भाई देख, हमें हंसी भी आ रही और देख तेरे पे तरस भी आ रहा। क्यों? अबे तेरे माँ बाप ने तेरा नाम रखा है जीवन है। और तेरी जिंदगी होने वाली है खत्म। वो कैसे? वो ऐसे, अगर धामा आवेगा वो क्या तुझे छोड़ देगा? वो तो तुझे मार के जाएगा। हो तो तुम भी। अजी हमें तो छोड़ दो, हमें तो खतरों से खेलने की आदत सी बन गई है। और हमारी जिंदगी भी खतरों में ही कट जाएगी। भाई हमारे लिए तो खेल सा बन रहा खतरों से खेलने का। तुम यहाँ ड्यूटी करने आयो, हमें डराने आयो? अरे हम तुम्हें डराना रे, हम तो अपनी इंसानियत का फर्ज निभा रहे, फर्ज समझ गए? यू थारी कैसी इंसानियत है भाई, तुम हमारी हिम्मत बढ़ाने से तो गए और तोड़न लग रहे हो। बताइए भाई। तुम्हें समझाना तो हमारा फर्ज है और उन्हें मारना हमारी ड्यूटी है, और हमें अच्छी तरह पता है हमारी ड्यूटी कैसे निपटती है। बस तो हमें डरने की जरूरत है ना, तुम हो ना हमारी हिफाजत के लिए। अरे भाई हम थारी हिफाजत करेंगे या उन्हें मारेंगे?
और वैसे भी हमारे पास एक एक बंदूक है, अगर दो बंदूकें होती एक से अपनी हिफाजत कर लेते और एक से उन्हें मार देते। तुम्हें डर ना लगता, तुम इतनी खतरनाक जगह पे जाओ। भाई तू ठीक कह रहा, देखे डरते तुम किसी से ना, पर धामा से डर लग रहा भाई। हाँ भाई, बड़ा खतरनाक डाकू, धामा का नाम मत लिया कर, आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो जावे। तुम्हें डर लग रहा है धामा से? अरे धामा से ना, उसकी दम्बूक से डर लगे, दम्बूक से। अरे मेरा मार दी रहा, मार दी रहा, पकड़ी रहा, मेरी टोपी कहाँ गई हो? हरी हो, अबे मुझे। चलो डाकू इधर नहीं, उधर है, मेरे साथ आओ। सर सर, सोच रहा था कि चार पिल्ले पहरे पर लगा लेगा तो धामा डर के मारे नहीं आएगा। धामा वो आंधी है जिसे आज तक कोई नहीं रोक पाया, फिर तेरे चार पिल्ले और पुलिस वाले क्या रोकते मुझे? मैं दूसरे के भरोसे नहीं रहता धामा, इतनी हिम्मत है मेरे अंदर कि मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकूं। कहाँ रहा है तुम दबाकर? तू तो अपनी हिफाजत खुद करनी जानता है ना? मैंने तेरी ताकत का अंदाजा नहीं था तामा, तू मुझे मत मार, मेरे से गलती होगी। गलती की है ना तो अब इसकी सजा भी भुगत। जिंदगी बख्शना और लेना सब ऊपर वाले के हाथ है, और उसने तेरी मौत मेरे हाथ लिखी है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। भगवान के वास्ते छोड़ दो मुझे, हाथ आई तकदीर और फंसे लड़के छोड़ दू। बचाओ, देखता हूँ कहाँ जाएगी भाग के। बचाओ बचाओ, कहाँ जा रही है भाग के? बचाओ, प्यास तो बुझा जा, छोड़ दो भगवान के वास्ते, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। ये तो वही है जो उस दिन मुझे रास्ते में मिला था। हमारा काम धन लूटना है, किसी की इज्जत लूटना नहीं, छोड़ दे इसे। नहीं सरदार नहीं, आज इसने मुझे बहुत भगाया है, आज तो बिल्कुल ना छोड़ दूं। मैं आखिरी बार कहता हूँ छोड़ दे इसे।
माँ, ये धामा कहाँ का है? तू क्यों पूछ रही? बस ऐसे ही पूछ रही, मन में आई यह बात तो पूछ ली। पास वाले गांव का तो था ही धामा। क्या, लालपुर का? हाँ वो ही। उस गांव में तो मेरी गैर धर्म भी पड़ा था। अब कहाँ खोगी? अच्छा मैं ओमबती के घर तक जाऊं, अभी आ जाऊंगी। तेरा बापू भी आज आ लेगा, उसकी भी रोटी बना लिए। पता ना इस छोरी का ध्यान कहाँ रहने लगा आजकल। जेपी पत्ता फेंक यार। चलो फेंको भाई। अरे ये ले हुकम का इक्का। बेटे रे अब आओगा मजा इस खेल का, इस बाजी को तो मैं ही जीतूंगा। तू कैसे जीतेगा भाई? अरे देख तू हुकम का इक्का गेर रखा, आजा गेर तू। ए ए तुझे गिनती तक तो आती ना, बैठ गा खेलने को। ए ले देख, ए ए यूएस से बड़ा पत्ता। तू तो वाकई जीत गया भाई। अरे और क्या, तुम मुझे वैसी मान ना हो। अरे तासो का तो मैं पक्का खिलाड़ी हूँ, पक्का। और मेरे सामी ना बड़े से बड़ा खिलाड़ी, बड़े से बड़ा कोई भी नहीं टिक सकता। अबे हट, जीतता मैं हूँ, मैं जीतता। ये बाजी हम जीतते हैं। अरे यह तो भाई सरासर बेईमानी है। तुम पुलिस वाले हो, इसका मतलब यू थोड़ा अक्ता में कर दिखाओगे। अरे अकड़ ना, डाका डाका गिरे हम डाका। अरे यह मारी चौकी है और यह हम ही जीतते हैं, समझा? अबे ओ, अबे लगता है बड़े इंस्पेक्टर साहब आ गए। खड़े हो लो बे। अब टोपी कहाँ पे? मैं दम्बू कहाँ है? अबे यार यू साहब भी आ गए। क्या हो रहा है ये? राम राम। चल भाग, क्या कर रहे हो? सलूट साहब। चल भाग जनाब। राम राम। चल चल भाग। जा जूते साफ कर दो। अच्छा राम राम। ये चौकी है? हाँ सर जी। हाँ जी ये चौकी तो, और हम यहाँ के बहादुर हवलदार हैं दोनों। मैं यहाँ का इंस्पेक्टर अजय कुमार हूँ। दुर्गा जी कहाँ गए? साहब जी वो गश्त पे गए हैं। और तुम यहाँ थाने बैठ के ताश खेल रहे हो? अजी बस टाइम से फोड़ रहे थे जी अपना बस। कितना टाइम हो गया दुर्गा जी को गए हुए? बस जी आने वाले होंगे जी। सरदार सरदार, शहर के पास के गांव में सोनू नाम का एक आदमी रहना है, जो अपना रोम जुबान खातर पैसे उड़ाता फिर रहा है। तो भेज दो प्रेम पत्र। सरदार गांव के थाने में नया इंस्पेक्टर आया है तुम्हें पकड़ने को। इनका काम है आने का जाने का और ड्यूटी निभाने का, हमारा काम है लूट करना। इनके आने जाने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार थोड़ा होशियारी से काम लेना है, बड़ा खतरनाक इंस्पेक्टर है। पुलिस वाला खतरनाक हो, पैसे वाला जालिम हो, तो डाका डालने का मजा और बढ़ जाता है। वैसे तुम मेरा रिकॉर्ड जानते हो ना? पहला कत्ल 12 साल की उम्र में अपने दोस्त के सर पे बैट मारकर हत्या, एक डॉक्टर की हत्या क्योंकि डॉक्टर लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, एक गरीब किसान की रिपोर्ट न लिखने के कारण थाने में एक दरोगा की हत्या, गांव के चौराहे पे खड़ा करके एक पुलिस मुखबर की हत्या, चिट्ठी लिखकर सैकड़ों डाके डाले, इसलिए लोगों ने धामा के बारे में रिपोर्ट लिखानी ही बंद कर दी। यस सर। साहब साहब धामा पास वाले गांव के तरफ जाते देखा गया है। चलो क्या हो रहा है? ए चलो। धामा धामा मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। मेरे को चिट्ठी लेट मिली, नहीं तो मैं पैसे पहुंचा देता।
भगवान ने तेरी तकदीर में मेरे हाथों लूटना लिखा है और उसके लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। वैसे भी दुनिया में हर जीव को कर्म करना पड़ता है। तूने अपना कर्म किया है, अब मुझे अपना कर्म करना है। मुझे मत मारो, मैं पैसे देता हूँ। तू पैसे नहीं देगा तब भी हम लेकर जाएंगे। निकाल लो इसका सारा पैसा। ठीक है सुल्तान। सारे क्यों? तुम्हारी गलती के कारण। अगर चिट्ठी में लिखी रकम को तू भिजवा देता तो आज तेरी तिजोरी खाली ना होती। अब जो बोया है उसे काटो भी। सरदार, सरदार, पुलिस वाली सरदार, पुलिस बुला ली। नहीं नहीं, मैंने नहीं बुलाई पुलिस। मेरे को तो पता भी नहीं था ना कहाँ है। मैं तो अपने गांव में बहुत दिनों बाद आया हूँ। सतीश, तुम सभी आदमियों को लेकर पीछे से निकल जाओ। नहीं थलदाल, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाता था। थलदाल सर, तुम हो या मैं? थलदाल जाओ। चलो आओ। रमेश, तुम घर को उधर से घेरो, मैं इधर से घेरता हूँ। ठीक है सर। भामा, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। अब भी वक्त है, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर, तुम अपने चार आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ ये निर्दोष भी मारे जाएंगे। तुम सब अपनी पोजीशन ले लो। अरे मेरे पिया मर गए। अरे मर गए। अरे ओ हरी, तेरे को तो बहुत तरकीब की जान बचाने के रे। अबे अबे, अब कोई तरकीब ना भैया। अबे अब तो मरना ही है। घेर लो इसे, बच के जाना नहीं चाहिए। कोई गोली नहीं चलाएगा। मैं कहता हूं चलाओ गोली। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आज ही हमारी पकड़ में आ चुका है, धामा बच के नहीं जाना चाहिए। बड़ी हिम्मत है इंस्पेक्टर, आज पहली बार किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत देख रहा हूँ। अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी कहाँ धामा? अपनी हिम्मत को अपनी मौत मत बनाओ इंस्पेक्टर। मेरी बंदूक से गोली नहीं, मौत निकलती है। मुझे बंदूक से मत डराओ धामा। बंदूक से डरना तो उस दिन छोड़ दिया था जिस दिन ये वर्दी पहनी थी। तुम पहले शख्स हो इंस्पेक्टर जिसने धामा से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत की है। धामा बहादुरों की कदर करता है। मैं भी बहादुरों की कदर करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें फिर ये कहता हूँ, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, जितनी हो सकी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये पुलिसियाई पैंतरे मुझे मत बताओ इंस्पेक्टर। बहुत पछताओगे धामा। पछतावा, अफसोस जैसी बातों पर धामा कभी विश्वास नहीं करता। लगता है डाका डालते डालते सपने भी देखने लगे हो धामा। सपने देखने का काम तो पुलिस का है इंस्पेक्टर, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ।
सर आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक तो हैं? भाग गया? आखिर कब तक भागेगा? एक दिन मैं तुझे पकड़ूंगा जरूर।
ये तो धामा है, कहीं ये धर्म तो नहीं? उससे पूछूं या ना पूछूं? ये तो डाकू है, मुझे मार भी सकता है। चल तुझे क्या लेना, ये धर्म भी हो सकता है, पूछ लेने में क्या हर्ज है? अब इसके पास बंदूक भी तो नहीं है, और ये मुझे उस दिन रास्ते में भी तो मिला था, उस दिन तो इसने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर इसे पता थोड़ी है कि मैंने उस दिन इसे पहचान लिया था। हे भगवान, पूछूं या नहीं? चल पूछ ही लेती हूँ, फिर मौका मिले या ना मिले। ए, तुम्हें उस दिन गांव मिल गया था? गांव? हाँ, तुम उस दिन मिले थे और रायपुर गांव का रास्ता पूछ रहे थे ना? हाँ मिल गया था। अच्छा मिल गया था, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो तुम नाराज तो नहीं होगे? कौन सी बात? बस ऐसे ही, तुम्हारी शक्ल मेरे एक बचपन के दोस्त से मिलती है। तुम धर्म हो? धर्म? हाँ, बचपन में मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। रुको, तू और के जाने धर्म के बारे में? बस कुछ ज्यादा ना, हम दोनों बचपन के दोस्त थे और एक साथ पढ़े थे, फिर उसके बाद हमारे गांव में स्कूल खुल गया और वहां जाना ही ना हुआ। वो बहुत शरारती था ना, तेरे ऊपर मेंढक छिपकली ततैया घेर देवे था ना, थारी दोनों की रोज लड़ाई होवे थी, पर तुम दोनों कदी भी बोलना नहीं छोड़ो थे। तुम धर्म हो? हाँ मैं ही धर्म हूँ। धर्म, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कई बार स्कूल में भी देखने गई, पर तुम मुझे वहाँ मिले ही नहीं, तुमने तो स्कूल में ही आना बंद कर दिया था। तुम्हारे स्कूल छोड़ने के बाद मैंने भी स्कूल जाना बंद कर दिया था, मेरा मन तो पहले ही पढ़ाई में न लगे था, तुम्हारे जाने के बाद तो मुझे स्कूल और भी बुरा लगन लगा था। लेकिन धर्म, तुम धर्म से धामा कैसे बने? तुम्हें कैसे पता है कि मैं ही धामा हूँ? वो उस दिन जब तुम हमारे गांव में डाका डालने आए थे ना, और तुमने एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपने ही आदमी को गोली मार दी थी, तब मैं वहीं थी। जिंदगी कब किसको कहां ले जाए कुछ पता नहीं चलता। मैं जिंदगी को अपने तरीके से जीने में कब डाकू बन गया मुझे पता ही नहीं चला। माँ बाप भाई बहन सब बाढ़ में बह गए, मुझे मांगना कभी अच्छा नहीं लगा, वैसे भी दुनिया बड़ी जालिम है, मांगने से भीख भी नहीं देती दुत्कार देती है, इसलिए मैंने दुनिया से मांगना नहीं छीनना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। लेकिन धर्म, ये कब तक चलेगा? जिसके नसीब में जो होता है वो वही बनता है, वो जो ऊपर बैठा है वो कहता है डाके डाल, मैं डालता हूँ, वो चलाता है हम चलते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी न तुम्हारे चेहरे पे कोई शिकायत है न कोई अफसोस? शिकायत कैसी, अफसोस किससे? यह जिंदगी मैंने खुद चुनी है। मैं सोचती थी कि अगर कभी तुमसे मिलूंगी तो ढेर सारी बातें करूंगी, तुमसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में पूछूंगी, पर अफसोस तुम्हारी जिंदगी में तो लूट मार खून खराबे के सिवा कुछ है ही नहीं। क्या सोचा था और क्या हो गया? खैर मेरी छोड़, तू अपनी सुना। मैं क्या बताऊं, सुबह उठना, घर के काम काज, रात को सो जाना, अब बड़ी हो रही हूँ तो पिताजी को और माताजी को शादी की चिंता और लग गई है। अच्छा ये तो हुई मेरी, तुम अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। हम भी उठते हैं, काम करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है हमारे काम रात को शुरू हों। क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारे काम भी सुबह ही शुरू हो?
जो बात तुम कहना चाहती हो मैं वहां से बहुत दूर आ चुका हूँ। अब तो देखना यह है कि मेरे कर्म मुझे कहाँ लेकर जाते हैं। कर्म तो मनुष्य के हाथ में है, जीवन को अच्छे कर्मों पे लगाओगे तो जीवन अच्छा ही होगा। अच्छा और बुरा मैं बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। फिर भी मनुष्य को अच्छा रास्ता ही चुनना चाहिए। मैंने जिंदगी के कई रूप देखे हैं, ये जरूरी नहीं कि जो अच्छा दिखाई दे वो अच्छा ही हो और जो बुरा दिखाई दे वो बुरा ही हो। खैर छोड़ो, तुम्हारी बातों में टाइम का पता ही नहीं चला, मुझे अब चलना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। गांव की चौपाल के पास मेरा घर है। एक डाकू को अपना घर बता रही हो? मैंने अपने बचपन के दोस्त को अपना घर बताया है। मैं भी ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे घर आऊं तो धर्म बनकर आऊं। धाम आना। तो पे नाल तातला था अल ताने तुम्हाल ती थोली वहां माले थे तो पे दधा तू दावली। अभी पुली बात तो थुनो, पहले ही हथ पलो तम तो पुली बात तो थुनते ना। ताने तुम्हाल ती दधी धा तुते तुलते और दधे ते पीते दा पोती। फेल दधे ने ऐती लात माली, ऐती लात माली आती ली तल तल दूल पली। तमाल है यार, इतनी मदेती बात थुनाई अथल दाल तू फिर भी हती नाई। यार तुझ ना तुझ बात तो दलूल है, थोत ना पलेदा। पुलिस वाली, पुलिस 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 पुलिस। ए सुनो बाबूजी, हम तो बहरे हैं, बहरे हमें ना दिखाई देता कुछ भी। कौन हो तुम लोग, हमें देख के भाग क्यों रहे हो? साहब ए साहब, अब तो इसे गांव के सा। ये लोग इसी गांव के हैं सर। इसी गांव के हैं तो हमें देख के डर क्यों रहे हैं? ओए तुम कांप क्यों रहे हो? बाबूजी पुलिस का और डाकुओं का कुछ पता जी। क्या मतलब है तुम्हारा? अजी बस यू तो कुछ ये बोल दे, अब हम जावे जी। तुम धामा के बारे में क्या जानते हो? अजी थानेदार साहब, हमें अपने अब के जाना धामा का बारे में। तुम्हें आखिर कुछ तो पता होगा, कुछ तो बताओ। सर इनको कुछ नहीं पता, इनके साथ हम अपना समय खराब कर रहे हैं। अजी ना 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 ऐसी बात ना, ऐसे का तब हम बिल्कुल गिरे पड़े समझ रखे। बहुत पहुंच है हमारी गांव में, गांव की हर चीज की खबर रखे, कोठी की, कुटले की, गली की, बार की, दुकान की सारी खबर है हमें। तो धामा के बारे में बताओ। धामा वो है जी जिसे लोग धामा के नाम से जाने। वो तो मुझे भी पता है, तुम आगे बताओ। सर जी यू ना बतावे, मैं बताऊं। धामा एक ऐसा इंसान है जिसे लोग जिसे सब प्यार करते हैं। ए लड़की सुनो, इधर आओ। घबराओ नहीं, इधर आओ। तुम धामा के बारे में कुछ बता सकती हो? ये लोग कुछ बता नहीं पा रहे। थानेदार साहब मैं क्या बता सकूं, जितना ये लोग जाने उतना ही मैं जानूं।
आपको कुछ तो पता होगा, आपके गांव में कई बार डाका डाल चुका है धामा। आप लोग क्यों उसके बारे में बताने से हिचक रहे हैं? आपको एक डाकू का साथ देकर मिलेगा क्या? वो डाकू जरूर है, पर आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए उसने जिन लोगों को लूटा आखिर वो कैसे लोग थे। इससे धामा का जुर्म कम नहीं हो जाता? एक दिन मैं उसे पकड़कर तुम्हारे सबके मन से धामा का डर दूर कर दूंगा। बात ऐसी है बेटा, तुम उसे पकड़ने की बात तो भूल ही जाओ, और हो सके तो अपना तबादला कहीं और करा लो। नहीं बाबा, मैं उसे ये बताने आया हूँ, आज तक कानून से कोई नहीं बच पाया, मैं उसे एक दिन पकड़कर जरूर दिखाऊंगा। थानेदार शुक्र मनाओ कि तुम डाकू धामा का सामना करने के बाद भी जिंदा हो। वो तुम्हारे सामने एक बार तो क्या बार बार आएगा, और तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे। लगता है तुम लोगों को पुलिस से ज्यादा डाकुओं की जरूरत है। अरे वाह, लगता है थानेदार साहब तो बुरा ही मान गए। अरे यू तो जाना पिछाना सा लगा रे। तू ठीक कह, अरे मुझे तो यू धामा सा लगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। खैर छोड़ो, तुम हंसोगे। सुनो, कपड़े नहीं है? इधर आओ। लो ये पहन लो तुम। बाबा, ओ बाबा, बाबा जरा सुनो तो, के नाम है थारा? नाम? बड़े बुड्ढों का नाम नहीं पूछा करते, और तुझे नाम से के लेना? मुझे नाम ते तो कुछ ना लेना, पर एक काम था थारे ते। काम? कैसा काम? आजकल मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़के। दिल धड़के तो किसी वैद्य या डॉक्टर को दिखा। अजी इसका इलाज तो तुम ही कर सको। मेरे धोर ऐसी कौन सी जड़ी बूटी देख ली तन्ने? जड़ी बूटी देख ली, जब ही तो थारे पीछे पीछे आई हूँ। जब
इलाके का उत्तरी हिस्सा घने जंगल वाला है और मुझे यकीन है कि धामा का अड्डा जरूर इसी जंगल में होगा। सर, बिना पता चले वहां पर जाना खतरनाक हो सकता है। वैसे भी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक साबित हो सकती है। सर, हमें पूरी तैयारी के साथ वहां चलना होगा। तुम सही कह रहे हो, पहले उसके बारे में हमें सही जानकारी करनी होगी। कोई तो होगा उसका साथी या खबरी जो उसके बारे में हमें सही जानकारी दे सके। धामा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मुझे चाहिए। तुम लोग धामा के बारे में पता लगाओ, ठीक है? हल्दाल, ये पैते लामपुल वाले थेते हत्ते आए, तिथि मिलते ही पैते पुतादा। थलदाल, एक बात बताओ, जब पहले पैते मिले थे तो तुम बड़े थुसुयाते रहते, आजकल बड़े थोए थोए से लेते हो, ते बात है? ऐसी कोई बात ना है, एक बचपन का दोस्त मिल गया था, बस उसी के बारे में सोच रहा था। थलदाल, कौन था, तुझ हमें भी बता दो। अरे कुछ खास नहीं। बात तो कुछ ना कुछ जरूर है, कई दिनों से सरदार अकेले अकेले रहते हैं। अला बात ते है, बात है एक लड़की। क्या? हाँ लड़की। लड़की? हाँ लड़की। कौन है वो लड़की? उठा लो। कौन हो तुम? माँ बचाओ, पिताजी बचाओ मुझे, माँ। कौन हो तुम? बचाओ, कहाँ ले जा रहे हो मेरी बेटी को? मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बेटी को। पापा निकलो यहाँ से, जल्दी करो, कुछ तो करो, पुलिस में ही खबर कर दो। दरोगा जी बचाओ मेरी बेटी को, मेरी बेटी को बचा लो। क्या बात है? दरोगा जी मेरी बेटी को डाकू उठा के ले गए, बचा लो दरोगा जी। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत, हम पे भरोसा रखिए। सिपाहियों, सब अपने हथियार उठा लो। धामा अब तक धन पर डाके डालता था, अब इतना गिर गया कि माँ बहनों की इज्जत पर भी डाके डालने लगा। चलो मेरे साथ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, जान दो। ये थलदाल का माल है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। थलदाल, मैं थाली दवाई ले आया। किसने कहा तुम्हें इसको लाने को? थलदाल वो तुम्हारी मर्जी के बिना ऐसा कदम कौन उठाएगा? मत लो मेरा नाम। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, धामा डाकू ऐसा है वैसा है, दहशत बैठी हुई सबके दिलों में तुम्हारे नाम की। वास्तव में धामा हैवान है, शैतान है। जब अपने बचपन के दोस्त से मिली तो लगा के लोग धामा को वैसे ही बदनाम करते हैं, धामा बहुत अच्छा है। पर मैं ये भूल गई थी कि धामा एक डकैत है, डांका गिरना उसका काम है, उसी में ही उसे मजा आता है, चाहे वो डांका किसी की तिजोरी का हो या फिर किसी औरत की इज्जत का। सुनो, ईश्वर साक्षी है कि धामा ने आज तक किसी औरत की इज्जत को गलती से भी आंच नहीं आने दी। और अगर फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं तो ये ले मेरी बंदूक और खत्म कर दे हम सबको, कोई भी अपनी जगह से एक कदम भी नहीं लाएगा। (laughs)
चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। सरदार, आप एक लड़की के लिए हमारी बेइज्जती कर रहे हो। साहब, मैं आपको धामा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कौन हो तुम? साहब, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, आओ मेरे साथ। चलो हमारे साथ। को सरदार, आप कहाँ जा रहे हो? सन्नो को छोड़ने गांव जा रहा हूँ। तुम वहां मत जाओ सरदार। क्यों? क्योंकि धर्मवीर सरकारी गवाह बन गया है और उसने यूं भी बता दिया है कि तुम सन्नो छोड़ने कब और कहाँ होगे। कहाँ छिपा है वो कमीना? कालू के पुराने घर में छिपा हुआ है। छिपने से उसकी मौत नहीं टल सकती। गाँव नजदीक है, अब मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगा। नहीं, वहाँ खतरा है, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम वापस जाओ। ये ठीक कह रही है सरदार। धामा अब तक आया क्यों नहीं? कहीं धर्मवीर ने हमसे झूठ तो नहीं बोला? अरे पानी वाली पानी प्यादे क्यों ठोके डोल खड़ी होगी के कुए का नीर सपड़ गया। अरे पानी वाली पानी प्यादे हो। अरे यो कैसे आ गई एक रात में ही, यूं ही छोड़ दिया धामा ने इसे। और के अपनी गेल गेल ले वांडता। अरे ओ मेरी सुनो, धामा का काम माल खाने का है, हाड़ गले में लटकाने का ना। चल यार, इस हाड़ को हम ही लटका लेंगे गले में। सर, क्या बात है राजकुमार? वो लड़की तो अपने घर पहुंच गई। घर पहुंच गई? इसका मतलब धामा को हमारे प्लान के बारे में पहले ही पता लग चुका था। यस सर। चलो। बच गए, बच गए, बच गए। तेरे से भी नहीं बताया इसने कुछ? के बतावेगी ओ, के रखा बताने, अब तो हम किसी तो मुंह दिखान लायक भी ना रहे। सारे गांव में मारी चर्चे चल रहे हैं। हे भगवान, यो दिन दिखानते पहला तने हमें ठा क्यों ना लिया, अब कैसे बीतेगी ये जिल्लत की जिंदगी। जब हमारी तकदीर में ही ऐसा लिखा है तो इसे कौन मिटा सके। ये हमारे किसी बुरे कर्म का नतीजा है जो आज ये दिन देखने पड़ रहे। अब तुम्हारी बेटी तो ब्याह भी ना करने का कोई। अब कर भी कह सके। आपकी लड़की कहाँ है? मुझे उसे कुछ पूछताछ करनी है। वो तो जी कुछ परेशान सी हो रही है, बाद में बात कर लियो। ठीक है, तो मैं बाद में आऊंगा।
दो, मुझे छोड़ दो, मैं जीना नहीं चाहती। के बात है, तू मरना क्यों चाहे? तंग आ गई हूँ मैं गांव वालों के ताने सुन सुन कर, छोड़ दो मुझे, मैं पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी हूँ, छोड़ दो मुझे। कौन देता है तुम्हें ताने, कौन करता है तुम्हें बदनाम, जरा मुझे भी तो बता, गर्दन काट कर चौराहे पर लटका दूंगा। मौत आई है उसकी जिसने तुझे बदनाम करने की कोशिश की है। किस किस को मारोगे तुम और कब तक? जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे ये ताने सुनने पड़ेंगे सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं जानता हूँ मेरे आदमियों से बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम्हारे आदमियों की वजह से मेरा सारा जीवन बर्बाद हो गया। तुम अभी भी बिल्कुल पवित्र हो। इस बात को तुम जानते हो, मैं जानती हूँ, मगर समाज समाज तो कुछ और समझता है। इस कलंक को कैसे धोऊं मैं, चाहकर भी मैं अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती, और जिस नजर से लोग मुझे देखते हैं ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं जी सकती। और मेरे माँ बाप को मेरी वजह से कितनी जिल्लत उठानी पड़ रही है वो कैसे देखूं मैं? मैं मर जाऊंगी तो उन्हें कम से कम कुछ सुकून तो मिलेगा, जी तो सकेंगे वो लोग। इतिहास गवाह है कि दुनिया में कितने ही आए और कितने ही चले गए, कितनों की औलादे इसी तरह खत्म हो गई, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया इसी तरह चलती रहती है और चलती रहेगी। सच्चाई का कोई सबूत नहीं होता सन्नो। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे मरने से तुम पर लगे दाग धुल जाएंगे तो तुम ये बिल्कुल गलत सोच रही हो। तुम्हारे मरने के बाद भी लोग कहेंगे कि तुमने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। तुम मेरे साथ चलो। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो ये दुनिया क्या कहेगी? दुनिया क्या कहेगी? दुनिया का काम है कहना। दुनिया ने तो सीता पर भी उंगली उठाई थी, उसको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। शायद किस्मत तुम्हारी अग्नि परीक्षा ले रही है, आज तुम्हें इसका मुकाबला करना होगा। तुम सरकारी गवाह बनना चाहते हो और धामा के बारे में सभी जानकारी रखते हो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और हाँ, इसमें अगर कोई तुम्हारी चाल या तुम्हारा झूठ पाया गया तो तुम अच्छी तरह समझते हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। थलदाल, कहाँ डाले हो थलदाल? कहीं नहीं सतीश, एक कर चढ़ाया है किसी ने, उसको उतारना बहुत जरूरी हो गया है। थलदाल, मैं भी चलूं? नहीं सतीश, ये कर्ज धामा पर है, उसको धामा ही उतारेगा।
चौंक कैसे गया? डर लग रहा है? सरदार मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती होगी। गलती अनजाने में होती है, और जो जानबूझकर की जाए उसे गलती नहीं गद्दारी कहते हैं, और गद्दारी धामा को कतई पसंद नहीं। कुछ भी कर ले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरे पाप का घड़ा भर चुका। तुम दोनों पता लगाओ कि धामा को गोला बारूद कौन देता है। यस सर। साहब, पास वाले गांव में एक देबू नाम का दूधिया है, हमें पता चला है धामा से उसके कॉन्टेक्ट हैं। सर मुझे शक है कि वही आदमी धामा को बारूद गोला सप्लाई करता है। तो ठीक है, तुम उस पर कड़ी नजर रखो और उसकी हर एक हरकत की मुझको खबर दो। यस सर। तुम दोनों जाओ और कड़ी निगाह रखो। यस सर। अरे आज तो सच में बच गए, निकल ले। निकल ले। मैं निकल। यार सतीश, अगर हमारे बीच में तू ना हो तो कितना सुना सुना लगेगा। और भाई जो तमी ना हो दे तो मुझे ही पूछने वाला तू ने। हाँ बिल्कुल, फिर मैं अपने चुटकुले तीजा सुनाऊंगा। हाँ तो फिर सुना देना फिर इसी बात पे। ले तो फेल में तुम्हें तो नया दाना सुना लाऊ। कौन सी फिल्म का? फिल्म है धातल थोला। सुना दे यार, सुना दे। हाँ, डोली तेले लूपती तो धूपती थी ले, धूपती थी ले, डोली तेले लूपती तो धूपती थी ले, धूपती थी ले। भाई कैसा लगा था? बताओ कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हम तो ऐसी थे ना, मिट्टी के शेर, बहुत बढ़िया लगा। डोली तेले लूपती तो धूपती थी ले, धूपती थी ले, डोली तेले लूपती तो धूपती थी ले, धूपती थी ले। हाँ दी, तथा लदा दाना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा बढ़िया दाना। चलो देर से ही सही, तुम्हारे चेहरे पर हंसी तो आई। तुम्हारी दुनिया कितनी अलग है, न परिवार की चिंता, न समाज के तानों और बदनामी का डर। बदनामी तो हमारी सबसे ज्यादा होती है सन्नो, फर्क सिर्फ इतना है कि लोग हमारे मुंह पर कुछ नहीं कह सकते। कई बार तकदीर इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, ना तो वो जी सकता है और न मर सकता है। जीने और मरने की फिक्र ही तो जिंदगी है।
आज मेरे दिल में यार कोई आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया यार, कोई आ गया। कभी पास तू आए जब से दिल ये धड़के घड़ी घड़ी, साथ तेरा मिल गया खुशियों से जीवन भर गया। आज मेरे दिल में यार कोई आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया यार, कोई आ गया। कोई आ गया, कोई आ गया,
सरदार सरदार क्या खबर लायो देबू? रायपुर गांव में रामफल नाम का जमींदार अपनी लड़की शादी कर रहा है, सुना है कि धन भी चोखा दे रहा है। तो भेज दो प्रेम पत्र के धामा अपनी बारात लेकर आ रहा है। गिरफ्तार कर लो इसे। साहब मैं वो साहब नहीं, मेरी निगाहें तुझ पर ही थी। इसे पुलिस चौकी ले चलो और बंद कर दो। ठीक है सर। साहब नहीं, साहब नहीं। साहब साहब धामा साहब धामा। हाँ हाँ मुझे पता लग चुका। साहब ये मैं क्या करूं, कल मेरी लड़की की शादी है। आप चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा। जब तक आपकी लड़की की शादी नहीं हो जाती हम यहीं पर हैं। साहब आप कहीं मत जाइयो, यहीं रहियो बस आप। आप घबराइए मत, मेरे यहाँ होते हुए आपकी लड़की की शादी धूमधाम से होगी, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, वो जो कह है वही कह रहा है। अब की बार वो अगर यहाँ आ गया तो जिंदा बच के नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वायदा है। आप बेफिक्र हो के अपना काम करो। सरदार सरदार के बात है, कैसे बोखड़ा रहा है? बात ही ऐसी है। क्या बात है? सरदार देबू को पुलिस ने पकड़ लिया। ये क्या बकरा है तू? सरदार मैं सही कह रहा हूँ, रामपाल के घर पुलिस ने पैरा लगा रखा है। मुझे लगे इस इंस्पेक्टर का टाइम खराब आ गया दिखे। सरदार हम इस डकैती का ख्याल भूल जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि चिट्ठी जाए और धामा ना जाए। वो जवानी क्या जिसमें 16 और 18 ना हो, और वो डाका ही क्या जिसमें पुलिस और खतरा ना हो। दलदल इतना फायदा ना, नुकसान है नुकसान। नुकसान और फायदा देखना व्यापारी का काम है, धामा का नहीं। सरदार वहाँ पुलिस लगी होगी। जिसे अपनी जान प्यारी है वो लोग हाथ उठा ले, वो लोग यहीं रह सकते हैं, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा। तुम जा सकते हो। थलदाल मैं दाऊंडा दलूल पल थली दल। वो याली ही ते थलदाल दो बुले वत में थाट थोड़ दे। याली तो वो है थलदाल जो मलते दम तक थात निभाए, अलब तो दीना भी थाले थात और मलना भी थाले थात। तलाओ हम थब थात थाले में थलदाल। आप चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा, हम यहीं हैं। अरे साहब मैं तो टेंट वालों को देख रहा, अब लो ना आए। लो तुम्हारे टेंट वाले भी आ गए। अरे तुम तो कह रहे थे तुम चलो, हम आन लग रहे, अब आगे लग रहे हो तुम। नंबरदार साहब मारा झोटा बुग्गी में ते लिकड़ के भाग गया, इस मारे देर होगी। ठीक है ठीक है, ज्यादा सफाई ना दे और चल जल्दी काम शुरू कर। हेलो कितने दिन से करते हो ये काम? साहब जी जब सुहो संभाला लगे ही पड़े हैं। अजी आप कहो तो हम अपना काम कर लें। ठीक है चलो जाओ। दे
हट परे, किसने भर्ती कर लिया यू? अरे हाँ, तुम यहीं पे टेंट लगा लो और भाई तुम चाय दे दियो इन्हें, जल्दी कर लो। हे hey, क्या बात है, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? साहब बल्ली गाड़ियां टेंट लगा रहे हैं। गया सरदार, तुम माल और आदमियों को लेकर निकलो, मैं आता हूँ। नहीं सरदार, हम आपको अकेला छोड़कर ना जा सकते सरदार। बिल्कुल नहीं जा सकते सरदार, बिल्कुल नहीं जा सकते। तुम जाओ, पुलिस को रोकना बहुत जरूरी है। हेलो,
तुम सिपाहियों को लेकर दूसरी तरफ से जाओ। डाकुओं को पीछे से रोकना जरूरी है। सर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, धामा बड़ा ही खतरनाक डाकू है। रमेश तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी जान से ज्यादा डाकुओं का मारा जाना जरूरी है। ठीक है सर। ये ठीक है भाई, संदूक ऐसी इसमें छुपक जाते हैं। सकते धामा, यू आर अंडर अरेस्ट। मैं एक बार इसे हॉस्पिटल पहुंचा दूं, फिर अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसे अस्पताल हम पहुंचाएंगे, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मेरा रास्ता मत रोको इंस्पेक्टर, मुझे जाने दो। इस बार मैं तुम्हें भागने के लिए कोई बहाना नहीं दूंगा। अगर इसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया ना, तो तेरी लाश भी यहीं पड़ी होगी इंस्पेक्टर। लाश तो पता नहीं किसकी गिरेगी। तुम इसे अस्पताल पहुंचाने के बहाने भाग गए तो ये धामा की जबान है और धामा की जबान पत्थर की लकीर है। ठीक है, तुम इसे मेरी गाड़ी में लेके चलो। जीवन का लिखता लेख विधाता, वो ही बनाता वो ही मिटाता। जीवन का लिखता लेख विधाता, वो ही बनाता वो ही मिटाता। जान सका ना अब तक कोई, जान सका ना अब तक कोई, क्या जीवन और कहाँ विधाता। जीवन का लिखता लेख विधाता, वो ही बनाता वो ही मिटाता। जीवन का लिखता लेख विधाता, वो ही बनाता वो ही मिटाता। करता सब पे वो ही नजर है रखता, कौन कहाँ है क्या है करता, सब पे वो ही नजर है रखता। दुख जाओगे जैसा है जीवन, सच और झूठ है इसमें पलता। दुनिया तो है कर्म भूमि, दुनिया तो है कर्म भूमि, फल मिलेगा देगा वो दाता। जीवन का लिखता लेख विधाता, वो ही बनाता वो ही मिटाता। जीवन का लिखता लेख विधाता, वो ही बनाता वो ही मिटाता। मुबारक हो, अब वो खतरे से बाहर है।
क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अभी कोई अंदर नहीं जा सकता। क्या विचार है धामा? उसने हमको इंसान बनाया, हमने खुद को हैवा बनाया। हरी? हाँ। अरे हमारी बंदूक से तो कभी गोली भी ना निकली यार। और साहब की बंदूक से निकले मौत। हरी, जेपी, तुम्हारी ड्यूटी अस्पताल में लगाई थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी आ रहे साहब, अभी आ रहे। जल्दी आओ। आ रहे साहब जी। के मरवाने की सोच रहे यार ये? जस साहब, ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है वह बहुत शातिर व बेरहम डाकू है। न जाने इसने कितने लोगों का कत्ल किया है और कितने घरों को लूट चुका है। तुम कितने घरों को लूट चुके हो अब तक? मैं डकैत हूँ, डकैत, डाका गेरता हूँ, वो भी कह के दिन दौड़ी सबके सामने। और तुम इस सरकारी लिबास की आड़ में कितने लोगों को लूटते हो? ना जाने कितने गुनाहगार लोगों को पैसे की खातिर तुम बेगुनाह साबित करते हो, और ना जाने कितने बेगुनाहों को पैसे की खातिर गुनाहगार साबित करते हो। गद्दारी करते हो तुम अपने देश के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने पैसे के साथ। मैं डकैत हूं पर गद्दार नहीं। तुम गद्दार हो, गद्दार, मुजरिम हो तुम, मैं नहीं। तुम्हारी वजह से कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए और कितने लोगों की रोजी छिन गई। मेरी वजह से किसी की रोजी रोटी नहीं छिनी, बल्कि हम जैसे लोगों की वजह से तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है। इस जज की रोजी रोटी चल रही है, पुलिस की रोजी रोटी चल रही है। अगर हम ना हो तो तुम बेरोजगार हो जाओगे, बेरोजगार। मेरा कर्म है डाका डालना, और वो भी उन लोगों के घर जिन्होंने गरीबों का खून चूस चूस कर बनाई है अपनी तिजोरियां। तुम लोगों की तरह अपना कर्म, धर्म और फर्ज बेचकर भरी है अपनी जेबें। मैं अपने कर्म, धर्म और फर्ज का पक्का इंसान हूं। मैं कहकर डाके डालता हूं, कभी मना नहीं करता कि मैं डाके नहीं डालता। और अगर मुझे यहां से छोड़ दिया गया तो मैं फिर डाके डालूंगा, और मेरा अगला डाका तुम्हारे घर होगा। देखा जैसा आपने, इसे किसी का कोई डर नहीं और अपने किए का कोई पछतावा नहीं। धामा ने आज तक कोई पछतावे का काम नहीं किया है, बल्कि अपना कर्म किया है, कर्म। और रही डर की बात, तो धामा इस जिंदगी में किसी से नहीं डरा, लोग धामा से डरते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। तमाम गवाहों के बयानात, मुजरिम के इकबाल जुर्म और पुलिस की केस डायरी से साबित होता है कि मुजरिम धामा एक खतरनाक मुजरिम है। इसलिए ये अदालत ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत इसे मौत की सजा सुनाती है। उसने हमको इंसान बनाया, हमने खुद को हैवा बनाया। इसको लूटा, उसको है मारा, सारी उम्र तूने यूं ही गवाया। भले बुरे का भेद न जाने, बुरे का भेद न जाने, दर दर की वो ठोकर है खाता। तुम रो रही हो सन्नो, एक बात कहूँ, तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें मेरे कारण फांसी हो रही है। तुम कारण नहीं हो सन्नो, इंसान समय, कार्य और कारण कभी नहीं हो सकता। ये तीनों प्रकृति की नियति हैं, ना इन्हें तुम बदल सकती हो, ना मैं बदल सकता हूँ। और जब हम इन्हें बदल ही नहीं सकते तो हम इल्जाम अपने ऊपर क्यों लेते हैं? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी धामा, मैंने तो अपना सब कुछ तुम्हें मान लिया है। इसका मतलब धामा को अब तुम्हारे लिए जीना भी पड़ेगा? तुम कितने पत्थर दिल हो धामा, जो मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी मजाक कर रहे हो। मैं जीवन उसको ही मानता हूँ सन्नो, जो मौत के दरवाजे पर भी हंस कर जिया जाए। चलो अब चलो। बनाता, वो ही मिटाता।
आज मेरे दिल में यार कोई आ गया, कोई आ गया। तुम? हाँ मैं। तुम जेल से यहाँ कैसे आए? अभी ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो धामा को धामा की मर्जी के खिलाफ बंद रख सके, और हम तुमसे जीने का वादा भी तो कर बैठे थे। ओ धर्म, आज मेरे दिल में तू आ गया, प्यार तू आ गया। सोचा न था ये अभी प्यार होगा मुझे कभी। पास तू आए जब से दिल ये धड़के घड़ी घड़ी, साथ तेरा मिल गया खुशियों से जीवन भर गया।